क्या आपको पता है कि ससुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ससुर शब्द के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुलिंग कहा जाता है, और वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि ससुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ससुर के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह सास होगी। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि ससुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द सास होता है, और यहां पर ससुर एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर सास एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि ससुर का अर्थ होता है पति के पिता। यानी ससुर वह व्यक्ति होता है जो कि किसी महिला के पति के पिता होता है, और वहीं पर पत्नी के पिता को भी ससुर कहते हैं, और वहीं पर ससुर की जो पत्नी होती है उसे सास कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि ससुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। यानी दोस्तों, एक बार फिर से बात कर लेती है। तो दोस्तों, अगर ससुर शब्द के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह सास होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि ससुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द सास होता है, और यहां पर ससुर एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर सास एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको ससुर का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।